Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching Classes organized by Siddhi Vinayak International Academy. Good morning all of you. आज हम हमारा जो new chapter है Vedic Mathematics 6.1 जो 6.1 जो आज स्टार्ट करने वाले जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको दो टाइप से एडिशन करना है. फाइंड द फॉलोइंग सम ऑफ यूजिंग संकलम व्याकलम व्याम एंड पूर्ण व्याम, यानी दोनों तरीके से जो एडिशन है उनको आप सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं इनके जो छोटे जो एग्जाम्पल है उनको सोल्व करके बताता हूँ कि किस प्रकार से इनको सोल्व करना है. तो जो एग्जाम्पल है आपका वो बताएंगे हम संकलन से. यहाँ पे दिया गया 8 + 11 + 7 + 12 + 9 + 13. सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका जो बेस है वो आपको देखना है कि ये जो नंबर है वो किसके पास में है. तो ये 10 से तो किस प्रकार से ऐड कर सकते हो इसको, 10 - 2. नेक्स्ट आपका 11, तो 11 को किस प्रकार से ऐड कर सकते हो आप, 11 + 1. और जो 7 दे रखा है 7 को किस प्रकार से कर सकते हो ऐड, 7 - 10 - 3. ये किस प्रकार से ऐड हो रहा है, यानी अगर आप 10 में से अगर 2 ले सकोगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा. 11 - 1 करोगे तो आपका क्या आएगा, 10 + 1 करोगे तो आपका क्या आएगा, 11 आएगा. और यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 में से अगर 3 लेस करने पे क्या आएगा आपका, 7 आएगा. और नेक्स्ट आपका 10 + 2, यानी 10 में आपको क्या करना है, +2 करना, तो आपका 12 हो जाएगा. नेक्स्ट दे रहा है आपको 9, 9 में क्या करना है आपको, यानी 10 - 1, ये हो जाएगा आपका 9. और नेक्स्ट आपको दे रखा है 13, यानी 10 - 3. यानी टोटल मिला के आपको क्या करना है, जो वन नंबर है आपका तो वो 10 10, यानी सबके पास क्या है, बेस होगा, क्योंकि ये सभी नंबर किसके पास में, 10 के पास में. तो अगर अधिक है तो आपको प्लस का करना है और कम है तो आपको माइनस का करना है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें भी 10 दे रखा है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी सभी 10 है. तो यहाँ पे माइनस का 2 है वो किसी प्लस के 2 से कट कर देंगे. प्लस का 1 है माइनस के 1 से कट हो जाएगा. माइनस का 3 है प्लस के 3 से कट हो जाएगा. बचा क्या अपने पास, वो 10 10 कितने टाइम है, 1 1 2 3 4 5 6 टाइम अपने पास क्या है, 10 है. 1 2 3 4 5 6, अगर इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा आंसर, 60. तो ये तो था आपका संकलन व्यवकलन व्यायाम. और दूसरा आपका पूर्ण व्यायाम. इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको 98 दे रखा है, यहाँ पे दिया गया आपको 58, यहाँ पे आपको दे रखा है 42, और यहाँ पे दिया गया आपको 12. तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि लास्ट का यूनिट नंबर आपको दिया गया है तो सेकंड नंबर का यूनिट नंबर कौन सा होगा, जिनको अपन प्लस करने पे क्या होगा, अपना जो भी बेस के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए. जैसे अगर ये 8 दे रखा है तो 8 को मैं प्लस करूँ इससे 12 से, तो क्या होगा आपका, जैसे 8 में अगर 2 प्लस करने पे क्या होगा, 10 होगा. 10 का 0 राइट करेंगे यहाँ पे, और जो 1 होगा 1 यहाँ पे 9 में ऐड हो जाएगा. तो 9 और 1 मिला के 10, और ये 1 मिला के हो जाएगा आपका 11. प्लस यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 8 और 2 मिला के क्या हो जाएगा आपका, 8 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 10. और 10 का क्या करेंगे, इसका जो 1 है वो कैरी में चला जाएगा. 5 और 1 6, और 4 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा. तो ये हो गया अपने पास 100 और 110, तो कितना हो जाएगा आपका 210. इस प्रकार से एडिशन करना है. दोनों जो टाइप है उन दोनों टाइप से यहाँ फॉलो करके इनको अपन जो दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज 6 में आपका एक ही क्वेश्चन दे रखा है, इनको अपन सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दोनों तरीके से अपन सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको देखना है संकलन से कि किस प्रकार से ये सोल्व होगा. तो यहाँ पे क्या है, ये कौन से नंबर के पास में, इसमें आपको जो नंबर दे रखा है यानी सभी नंबर जो है आपका बेस किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये जैसे 100 है 200 है 300 है 400 है उनके अकॉर्डिंग ये चल रहा है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया 282, या तो ये आप क्या कर सकते हो 200 + 82, या 300 में कितना कम है वो आप राइट कर सकते हो. तो मैं अगर इसको राइट करूं 300 - कितना लेस करना है आपको, 18 लेस करना है, क्योंकि 300 में 18 लेस करने पे क्या आएगा आपके पास 282. नेक्स्ट नंबर आपका 718 दे रखा है, तो इसको मैं राइट करूंगा 700 + 18. नेक्स्ट आपका 796, यानी कितना कम है, 800 में 4 कम है. नेक्स्ट 524, तो मैं इसको ऐड करूंगा 500
प्लस 24। नेक्स्ट आपको दे रखा है 800 प्लस 4, 804 हो गया। इसी प्रकार से 524 हो गया। और जो लास्ट नंबर आपका वो दिया गया आपको, यानी ये 400 के पास में, तो आपको ऐड करना है 400 माइनस कितना लेस करना है इसमें 24, ये हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर जो नए नंबर रहते हैं आपके पास, इनको क्या करना है, जिस नंबर से कट हो रहा है वो आपको कट करना है। देखना ये प्लस का है तो दूसरा आपका किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ये माइनस का दे रखा है 18, तो प्लस के 18 से कट हो जाएगा। माइनस का 4 है वो प्लस के 4 से कट हो जाएगा, और प्लस का 24 माइनस के 24 से कट हो जाएगा। तो अपने पास जो नंबर है वो क्या रह गए, 300 है, 700, 800, 500, 800 एंड 400, ये आपके पास न्यू नंबर आ गए। अब क्या करना है इसमें, सब में आपको लास्ट डिजिट दे रखे हैं, 00 दे रखे हैं आपको, जो यू नहीं आपके, जो 100 पे जो नंबर दे रखा है सब में, वो आपको प्लस करना है। तो 3 और 7 मिला के हो गया 10, 10 और 8 मिला के हो गया 18, और 18, 18 में ये 8 और 4 मिला के हो गया 12, 12 और 18 मिला के हो गया आपका 30, 30 और ये 5 मिला के हो गया आपका 35, और 20 यानी 3500 क्या इसका आंसर है। तो ये तो था तरीका आपका जो पश्चदा संकलन वाला। दूसरा आपका पूर्ण व्यायाम से, तो पूर्ण व्यायाम से किस प्रकार से होगा वो ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आपको जो सेकंड स्टेप आपकी उससे सोल्व करना है। ये तो किया आपकी स्टेप फर्स्ट, अब जो स्टेप सेकंड है यानी पूर्ण व्यायाम से, यहाँ पे दिया गया 282 मेरे नंबर्स जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 282 प्लस नेक्स्ट नंबर है 718 प्लस 796 प्लस 524 प्लस 804 प्लस 376, ये हो गया नंबर। इस नंबर में आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा ये जो यूनिट नंबर है वो आपका ऐड करना है, कि किस नंबर में ऐड होने पे आपका जो यूनिट प्लेस नंबर है वो आपका जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है। तो कोई भी नंबर इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं जो आपका ऐड कर सकते, ऐड करने पे क्या होगा आपका जीरो होगा। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, यहाँ भी 4 दे रखा है, तो 6 में 4 ऐड होगा, ये भी 4 ऐड करने पे क्या होगा आपका यूनिट नंबर जीरो आएगा। लेकिन आगे ऐड करके देखते हैं कि यहाँ पे ये बेटर है या ये बेटर है आपका। अगर यहाँ पे देख रहे आपको 9 दिख रहा है तो प्लस करेंगे तो 10 होगा, 10 और 1 9 में लगे आपका 10 होगा, तो ये 2 कैरी में आपका 12 हो जाएगा। ये नंबर आपका बेटर रहेगा ये वाला, जो लास्ट में बस गए दोनों नंबर ये, इनको आपको प्लस करना। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 और 2 मिला के होगा आपका 10। फिर जो नेक्स्ट नंबर आपका जो 1 कैरी में चला जाएगा, 8 और 1 9, और इसका 1 मिला के होगा आपका 10। फिर आपका 1 जो कैरी में चला जाएगा, 7 और 2 मिला के 7 और 2 9 और 1 मिला के होगा आपका 10। यानी इनको प्लस करना है 718 और 282 को, ये होगा 1001 कैरी में, 8091 10 और 1 इधर 2 और 3 10 1000 आवे। नेक्स्ट है 6 और इसका 4, यानी आपको एक एक नंबर लेना है इसका यूनिट, फिर इसका 10 प्लस पे और इसका 100 प्लस पे, इस प्रकार से आपको ऐड करना है। तो 6 और 4 मिला के होगा आपका 10 का 0, 1 आया कैरी में, 9 और 1 10 और 0 मिला के होगा 10, फिर 7 कैरी में, 7 और 1 8, 8 और 8 मिला के होगा आपका 16। लास्ट नंबर आपका इसका 2 सॉरी इसका 4 और इसका 6 मिला के हो गया आपका 10 का 0, 1 कैरी में, 7 और 2 मिला के हो गया आपका 9 और 1 मिला के हो गया 10, फिर 7 नंबर कैरी में, ये 3 और ये 4 और 5 मिला के हो गया आपका 9। प्लस करेंगे इनको 1600 और 900, तो टोटल मिला के होगा आपका 3500। तो जो आंसर हो आपका वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो तरीका था इन दोनों को करने का वो आपका अलग अलग है, उसको भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन संकलन से इसको सोल्व करेंगे। ये दिया गया आपको 52 प्लस 136 प्लस 48 प्लस 64, तो ये क्या आपका 50 प्लस 2, इसको किस प्रकार से राइट करोगे, 100 प्लस 36 प्लस, इसको किस प्रकार से राइट करना आपको 50 के पास में, यानी 50 में 2 लेस करेंगे क्या होगा आपका 48 प्लस 64, आपको 100 में से लेस करना है, 100 माइनस 36 तब क्या होगा आपका 64 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो दिख रहा है माइनस प्लस का 2,
माइनस के 2 से तो प्लस का 36, प्लस के 36 से तो बचा क्या आपके पास 50, और 50 100, और 100 में 100 मिला के 200 और 300, यानी 50 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100, तो 50 150 और 200 और 300 हो जाएगा टोटल। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करेंगे इसको पूर्णा व्यायाम से। पूर्णा व्यायाम में किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नंबर दिया गया है 52 प्लस 136 प्लस 48 प्लस 64, आपको क्या करना है, ये आपने सोल्व किया है तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका सोल्व करने का जो तरीका वो बहुत ईजी है। किस प्रकार से होगा, आपको देखना है कि इसका जो प्लस का 2 है किसका माइनस 2 आया था, इसका आया था यानी थर्ड नंबर वाले पे, तो आपको जो भी नंबर वो थर्ड वाले से प्लस करना है। इसमें जो 36 था वो लास्ट वाले नंबर से है तो इसको लास्ट वाले से प्लस करना है। तो प्लस करने पे क्या होगा, आपको 52 दे रखा है, 48 दे रखा है, यानी 52 प्लस 48 नेक्स्ट आपका 136 प्लस 64, 52 और 48 मिला के हो गया आपका 100, और 136 और 64 मिला के हो गया आपका 200, दोनों मिला के हो गया आपके 300। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सबसे पहले हम संकलन से करेंगे इसको। 135 248 प्लस 322 और 65, इसमें आपका 135 दे रखा तो आपको करना है 100 प्लस 35 प्लस 200 प्लस 48 प्लस 300 माइनस सॉरी प्लस 22 प्लस ये दे रखा आपको 100 माइनस 35। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का 35 है वो आपको माइनस के 35 से लेस करना है। फिर अपने पास यहाँ क्या बचा 100 प्लस, यहाँ क्या आपके पास 200, यहाँ क्या आपके पास 300, और यहाँ क्या आपके पास 100 प्लस ये जो था 48, यहाँ पे था 22, दोनों किस में आपके प्लस में नंबर है, तो प्लस में है तो ये कटेंगे नहीं, तो प्लस में कटेंगे नहीं तो इनको क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे। तो 48 8 और 2 मिला के होगा आपका 10, 1 कैरी में चला जाएगा तो ये जाएगा 5 और 1 4 और 1 5 और 6 7 यानी 70 हो जाएगा। अब क्या करना है, ऐड करना है, तो 100 200 मिला के 300, 300 और 300 मिला के हो गया आपका 600, 600 और 1 700 और 70, तो टोटल कितना हो गया आपका 770। इसी प्रकार से अब आपको करना है पूर्णा व्यायाम से। तो पूर्णा व्यायाम में करने के लिए आपको 135 प्लस 248 प्लस 322 एंड 65, इसमें आपने किस नंबर से किसको किया था वो आपको करना है, यानी जो फर्स्ट नंबर था वो आपने लास्ट वाले से किया है, तो ये वाला होगा प्लस और ये दोनों प्लस होंगे, तो इनको प्लस करना है 135 और 65 को प्लस करेंगे तो 5 और 5 मिला के हो गया 10, 1 चला जाएगा कैरी में, तो 6 और 4 मिला के हो गया 10 का 0 पीछे बना तो ये हो जाएगा 200 प्लस 248 और 322, इनको प्लस करना है तो इनको प्लस करने के लिए 8 और 2 मिला के हो जाएगा आपका 10, 10 का 0 1 कैरी में, ये 4 और 1 मिला के 5 और 6 और 7, यहाँ पे 3 और 2 मिला के हो जाएगा आपका 5, तो 570 और 200, तो 500 और 200 होगा 700 और 70। तो जो है क्वेश्चन, इनका जो नेम तो वो है बहुत बड़ा नेम है, बहुत हार्ड है, लेकिन इनका जो पैटर्न है करने का वो बहुत इजी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन से आप इनको जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको करवाया इनके अकॉर्डिंग आप कुछ और नंबर ऐड करके उनको सोल्व करोगे, उनको सोल्व करने के बाद में ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप इसको वीडियो को बार बार देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर ओनली फर्स्ट दिया गया था, ये आपकी कंप्लीट हो गई है।